हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं नारियल की बर्फी, जिसे आप किसी भी व्रत में या सावन के व्रत में आसानी से खा सकते हैं। इसे हम आज बिना चाशनी और बिना मावे के घर पर ही रखे सामान से बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। आप इसे भगवान जी के भोग के लिए भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया है 1.5 कप नारियल का चूरा या डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नारियल का चूरा नहीं है तो आप नारियल का गोला या फ्रेश नारियल या नारियल का गोला, सूखा नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध लूँगी और उसमें नारियल के चूरे को भिगो दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भीगा रहने देंगे, जिससे कि ये चूरा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैंने एक फ्राई पैन में 1.5 कप दूध लिया है। 1.5 कप दूध में मैं 1 कप शुगर ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी यहाँ पर 1 से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, जितना मीठा आप डालना चाहें। और इसे 2-3 मिनट इसे बॉयल आने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर को स्किप करना चाहते हैं, मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप 1 कप दूध और बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से इसे गाढ़ा कर लीजिए। अब हम यहाँ पर अपना भीगा हुआ नारियल का बुरादा, जो हमने भिगो के रखा था दूध में, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। मिल्क पाउडर दूध में डालने से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है और हमें मिल्क पेड और मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें इसे तब तक लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और एक जगह इकट्ठा हो जाए और तला छोड़ दे। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, नहीं तो इसके जलने का चांस है। और लगातार चलाते रहेंगे। देखिए गाइस, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अच्छी तरह से बनने लगा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको नीचे उतर कर ठंडा कर लेंगे और एक कंटेनर में सेट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में और साइज में इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 को इस तरह से सेट कर लिया और 1/2 में मैं इसमें कलर यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है और 1/2 कोकोनट में मैंने ऑरेंज कलर मिक्स करके इसके ऊपर सेकंड लेयर कलर वाली लगा दी है। अब इसको अच्छी तरह से सेट करके इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे। आप चाहे तो इस पर वर्क भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। और इसके बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे बर्फ़ी की तरह पीसेस में कट कर सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप चाहते हैं तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं और प्लेन कोकोनट से ही इसको बना सकते हैं। आपको मेरी ये सिंपल इजी सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।